आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमने कहा था कि जैसे जैसे चेस के दिग्गज यहां जुटेंगे, आपको हमने दिखाया कि अरविंद थिप्से जो हैं वहां, परवीन महादेव थिप्से जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं, हमने उनकी बात भी आपको सुनाई, और शंकर रविंद्र शंकरन जो हैं उनकी भी, वो भी क्या कहना चाहते थे ये भी हमने सुनवाया। और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर AK वर्मा। वर्मा सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में पहला आयोजन इस तरीके का जहां 800 से ज़्यादा पार्टिसिपेट हो रहे हैं, क्या मान रहे हैं चेस में बिहार आगे बढ़ रहा है? ज़रूर, बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा यहाँ इंतजाम हुआ है और इतने सारे पूरे देश से खिलाड़ी आए हुए हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं कई सारे पेरेंट्स से मिला, प्लेयर से मिला, वो लोग बहुत खुश हैं और बिहार का ये सबसे बड़ा आयोजन है जहाँ 800 खिलाड़ी लगभग भाग ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। अभी वर्मा सर, मेरी थिप्से साहब से बात हो रही थी, अर्जुन अवार्डी हैं, वो बता रहे थे कि यहाँ भी कुछ बच्चों में बड़ी ज़्यादा प्रतिभा है, सरकार यदि और फेडरेशन सपोर्ट करे तो वो साउथ इंडिया में माहौल थोड़ा अच्छा है, वहाँ जाएं तो ये निश्चित तौर पर वर्ल्ड लेवल और एशिया लेवल पे जा सकते हैं यहाँ के बच्चे, क्या? बिल्कुल, अभी तो जा रहे हैं और कई सारे बच्चों का पोजीशन है नेशनल में और बाहर में भी, आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों का, मोहम्मद रियाज और अंकिता इन लोगों का पिक्चर भी लगा हुआ है, वो बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल में, और बिहार के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं इसमें कोई शक नहीं है और बहुत आगे बढ़ेंगे, और जैसा सहयोग मिल रहा है यहाँ के प्रशासन की तरफ से और ABCA जैसा काम कर रहा है और सभी ABCA के पदाधिकारी और जैसा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। वर्मा साहब, यानी कि मानते हैं कि बिहार का जो वो सब पारंपरिक गेम था गुल्ली डंडा कबड्डी, उससे कहीं ये गेम जो है बहुत आगे मुकाम तक जाने वाला है? ऑफकोर्स, चेस तो बहुत आगे जाएगा ही, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेस तो एक बहुत बड़ी समाज सेवा है और जितने बच्चे हमारे चेस खेल रहे हैं वो एक दिन बहुत अच्छे इंसान तो जरूर बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ABCA सब लोग मिलकर के काम कर रहा है ताकि हम जितने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चेस में जोड़ सकें, वो हमारे भविष्य के बहुत ही अच्छा नागरिक बने और हमारे देश के उत्थान में सहयोग करें। सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं, वो भी थोड़ा सा चेस से हटके और चेस से जुड़ा हुआ ही है। बिहार में राजनीतिक के धुरंधर लोग हैं, उठा पटक होती है और चेस में भी कहा जाता है कि वही धुरंधरगिरी चलती है, किसको कहाँ पटकना है, किस मैदान में पटकना है, तो बिहार और चेस की राजनीति में कुछ समानता आप देखते हैं क्या? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, समाज सेवा है, ठीक है, पॉलिटिक्स में भी लोग बोलते हैं, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए कि दोनों में पटकना पड़ता है, वो एक चेस के मैदान में और एक राजनीति के मैदान में, आप कहाँ तक देख? नहीं, हमारा चेस बहुत ही मैं सही बता दूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि चेस हमारा बहुत ही सभ्य है, क्योंकि हम सारे पीसेस को काटने के बाद एक जगह फिर इकट्ठा करते हैं, फिर उनको फिर से उसको रखते हैं, उसको सजा करके रखते हैं, हम किसी को पूरा ख़त्म करने का कभी नहीं ट्राई करते, क्योंकि चेस तो हमारा अनंत काल से गेम चला आ रहा है और ये बहुत ही बढ़िया है। और जहाँ तक रही बिहार के पॉलिटिक्स की, तो हमारा चेस हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, हमारा पार्टी चेस पार्टी है और उसके लिए हम सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। चलिए, AK वर्मा सर थे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी चेस की पार्टी, हम किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते, चेस ही हमारा मैदान है, भले बिहार में राजनीति के मैदान में सौसर जो है, चालें जो हैं विषाद कौन बिछाता है ये अलग बात है, और भी तमाम जो अतिथि आएंगे हम उन्हें सुनवाने की कोशिश करेंगे आपसे। मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।